हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शाली चौहान। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। जो न्यू है सो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी 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 अपडेट टाइम से मिलती रहे। और ये जो चौराहा दिख रहा है ये हमारे इटावा का बलराम सिंह चौराहा है। तो ये बलराम सिंह चौराहा है, इससे हमें आगे सीधे चल रहा है। कहाँ पे हमें चलना है? स्कूल, यानी कि सेंट मैरी पब्लिक स्कूल। सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये मैं दिखाने का रीज़न ये है कि मतलब हमारे इटावा की जो सड़क है कितनी सुंदर साफ सुथरी और ये हम SP चौराहे पे आ गए हैं। तो ये हमारा SP चौराहा है और ऐसे DM चौराहा, ये सब पार करते हुए हम लोग सेंट मैरी स्कूल पहुंच जाएंगे। सो आ जाइए सब लोग, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो भाई कर लीजिएगा। हाँ, और बेल तो बहुत ही ज़्यादा प्रेस करना ज़रूरी है, तो बेल को प्रेस कर दीजिएगा हमारे। और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो और वीडियो वॉच करके निकल लेते हो, तो ये गलत है। इसलिए लाइक भी करिया कीजिए और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि कैसा है हमारा ब्लॉग, ठीक है? तो बस हम लोग आने ही वाले हैं सेंट मैरी स्कूल। सो ये हम आ गए हैं सेंट मैरी स्कूल, और ये प्राइमरी का था इधर, उधर इंटर कॉलेज का है। तो हमें इंटर कॉलेज में जाना है अभी, अब बच्चे छोटे नहीं रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम लोग बस पहुँच ही गए हैं, आ जाइए चलते हैं अंदर स्कूल के। कम वेलकम कर रहे हैं अंदर सेंट मैरी स्कूल के अंदर। ये स्कूल है, अरे यहाँ से वो कहाँ चले गए? इतना क्यूट है और सब लोग बैठे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं कुछ के स्कूल। और आज है पेरेंट्स मीटिंग, वो दोनों नहीं आए हैं क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो कोई ना कोई ये था इसकी वजह से अभी फिलहाल। हाँ चलिए चलते हैं अंदर, देख के क्या होता है। ये है बिल्डिंग हमारे कुश की, और वो है ओम की, वो वाली है वहाँ, सब लोगों की अलग अलग है। हाँ का शायद अभी उधर पेंट हो रहा है, जस्ट बच्चे खेल रहे हैं, इंटरवल वगैरह हुआ है शायद, इधर काव्या वगैरह और होगी। उधर साइड एक उधर साइड भी बिल्डिंग है अंदर से, ये yeah. ये हमारी, और उधर वो है ओम की बिल्डिंग उधर साइड, ये है कुश की बिल्डिंग। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मतलब खूब आराम से बच्चे दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, जहाँ मन करे उनका वो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखो ये भारत का नक्शा बनाया है, देखो दिखाती हूँ आप लोगों को, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। देखो ये है, यहाँ से ऐसे दिखेगा भारत का नक्शा, दिखा आपको? मैं आप देख रहे, मेरे को धूप लग रहा है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, दिख गया। सो आप चलते हैं घर, और घर जाने के बाद फिर खाते पीते हैं खाना पीना, भूख भी लगी है बहुत जोरों की। इधर बच्चों का झूले वगैरह लगे हुए हैं, उधर साइड पहले बहुत अच्छे फ्लावर थे, अब की बार गुड़ाई वगैरह हो गई है ना, इसलिए अब फ्लावर नहीं है, नहीं तो उस बार जब आई थी तो इतने सुंदर यहाँ फ्लावर थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, बट अब नहीं है अभी फिलहाल नहीं है। तो अब चलते हैं घर। तो बाहर आ गए हैं, मेन जो हमारा है वहाँ पे